हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अफरोज़ास ब्लॉग। आज मैं आपके साथ तंदूरी चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तंदूरी चाय बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 4 कप दूध लिया है। इसमें पूरा प्योर दूध है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। दूध के साथ मैं 1/2 इंच अदरक डाल रही हूँ, जो पहले से मैंने काट लिया है, और इसके साथ 3 इलायची डाल रही हूँ। अदरक और इलायची डालने के बाद इसको चाय पत्ती डाल के मैं कुछ देर उबालूंगी दूध को, जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं। 4 कप दूध है तो इसके अंदर मैं 4 कप चाय पत्ती डाल रही हूँ और चाय को उबलने के लिए छोड़ देंगे। अभी जब तक चाय उबल रहा है, तब तक मैं तंदूरी चाय का जो स्पेशलिटी है उसके लिए मैं एक कुल्लर गर्म कर लेती हूँ। कूलर को मैंने पहले से ही धो के रखा है, धो के और सुखा के रखा है। तंदूरी चाय के लिए कोई ओवन या तंदूर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कूलर ही काफ़ी है, जो आप अपने नियरेस्ट मार्केट में कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। तो जब तक कूलर गर्म हो रहा है, तब तक चाय भी बन जाएगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, जो आप घर पे बहुत जल्द और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। घर पे बैठ के कभी भी आप डिफरेंट तरीके का चाय, अगर आपको डिफरेंट टेस्ट का चाय पीने का मन करे, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। चाय में उबाल आ गया है तो मैं इस पे चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने मर्ज़ी से डालिए, मैं इधर पे छोटे चम्मच की 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ 4 कप चाय के लिए। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो कम भी डाल सकते हैं। चाय उबल गया है, अभी इसको मैं लो फ्लेम में छोड़ दूँगी थोड़ी देर उबलने के लिए, और तब तक कुल्लर को अच्छे से गर्म कर लूँगी। देखिए ये अभी अच्छे से गर्म हो गया है, जलने लगा है। चाय भी रेडी हो गया है। चाय जो हम लोग ऐसे घर पे नॉर्मल बनाते हैं, वैसा ही नॉर्मल चाय ही बनाना है। इसमें कुछ खास नहीं है चाय बनाने में। इसमें तो आप जस्ट चाय को नॉर्मली बनाइए, पानी नहीं जाएगा इसमें से। पानी देने से इसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है, तो बिना पानी के ही इस चाय को बनाने की कोशिश करिए। चाय बन गया है तो मैं चाय को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। चाय रेडी होने के बाद अभी मैं तंदूरी का चाय का जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो दिखाऊंगी आपको। अब इस नॉर्मल चाय को तंदूरी चाय बनाने के लिए मैंने एक पैन को पहले से गरम कर लिया है। ये गरम किए हुए पैन के अंदर मैं ये जला हुआ जो कूलर है वो रख देती हूँ। रखने के बाद ये रेडी किया हुआ चाय गरम किए हुए कूलर के अंदर डाल देना है। बस रेडी हो गया तंदूरी चाय। ये चाय बनाना बहुत ही इजी है, आप कभी भी घर पे ट्राई करिए। इसमें बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आता है। मैं भी चाय को सर्व करूँगी एक कूलर में। आप चाहें तो इसको कप में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कूलर में देखने के लिए अच्छा लगता है, इसके लिए मैं इसको कूलर में ही सर्व करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें
और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ नया रेसिपी जानना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइए।